बच्चों आज हम लोग यूकेजी की मैथ्स की क्लास में मैथ्स प्राइमर बुक में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कंप्लीट करेंगे बच्चों पेज नंबर 17 चैप्टर 12। ओके तो सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। इसमें आज हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। मैथ्स प्राइमर बुक आपको ओपन करना है पेज नंबर 12 बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। ओके सब ओपन कर लीजिए। इसमें बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बुक में तीन फिगर बने हैं, रैट कैट एंड डॉग। ओके सबको दिख रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो रैट है और कैट है वो डॉग से क्या है, बिफोर है, पहले है। बिफोर का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे क्या है, रैट और कैट जो है वो डॉग से बिफोर है। ओके उसके बाद हम देखेंगे जो डॉग है वो रैट और कैट के आफ्टर है। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ओके सबको क्लियर है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो यहाँ पर क्या है, और जो कैट आया, कैट सबको बुक में दिख रही है, जो कैट है वो रैट और डॉग के बीच में है। बीच में मतलब होता है बिटवीन। तो आज हम लोग यही लेसन पढ़ेंगे, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। तो यहाँ हमने समझा। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं द रैट इज बिफोर द कैट एंड द डॉग। जो रैट है वो कैट और डॉग के बिफोर है, पहले है। उसके बाद द कैट एंड द डॉग आर आफ्टर द रैट। तो क्या है, द कैट एंड द डॉग आफ्टर द रैट, इसके बाद में है। फिर है द कैट इज इन बिटवीन द रैट एंड द डॉग, और जो कैट है वो रैट और डॉग के बीच में है। सबको क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ देखेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे नंबर्स को यहाँ पे फ्रॉम 1 to 10। सब लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, एक बार पहचान लीजिए नंबर्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सबको समझ में आ गया? 1 से 10 तक यहाँ जो काउंटिंग है नंबर्स है, इनको हम ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ओके बच्चों सब अपनी बुक में देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से इसके बेसिस पे है यहाँ पे फिलिंग द बॉक्सेस। यहाँ छोटे छोटे बॉक्स ब्लैंक दिए गए हैं आपके पेज नंबर 17 पे, इनको हमें फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे, हम ब्लैक बोर्ड पे मैं करके आपको समझा के बताती हूँ, इसको हम समझेंगे और फिर अपनी बुक में करेंगे। ओके बच्चों तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे फिलिंग द बॉक्सेस, पहले बॉक्स बना हुआ है, एक ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है आपको। फिर है इस बिफोर थ्री, यहाँ पे मतलब होता है कि थ्री के पहले कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो हम सभी जानते हैं कि थ्री के पहले क्या होता है, टू नंबर होता है। यहाँ पे फिल कर देंगे टू नंबर। ओके देन सेकेंड देखेंगे हम, यहाँ पे ब्लैंक है, बॉक्स बना हुआ है, खाली बॉक्स है, इस बिफोर नाइन, मतलब कि नाइन के पहले कौन सा नंबर आता है। तो नाइन के पहले कौन सा नंबर आता है, एट। यहाँ पे हम एट फिल कर देंगे। ओके आप अपनी बुक में इसको फिल करते जाइए। नेक्स्ट देन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है फोर, पहले बॉक्स में फोर लिखा, इस आफ्टर, मतलब कि फोर के बाद, फोर किसके बाद आता है ये यहाँ पे पूछा गया है। फोर किसके बाद आता है, तो थ्री के बाद आता है। फिर सेवन इज आफ्टर, मतलब सेवन किसके बाद आता है, तो सेवन सिक्स के बाद आता है। ये क्लियर है सबको? सब अपनी कॉपी में, सॉरी बुक में फिल कर रहे, मैथ्स प्राइमर बुक में। उसके बाद है नाइन इज इन बिटवीन, मतलब कि नाइन एंड कितने नंबर के आगे और पीछे, किस नंबर में नाइन आता है, एट एंड टेन, एट एंड टेन के बीच में नाइन आता है। क्लियर है सबको? ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको फिल करिए। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 18, ये सबको दिख रहा है। पेज नंबर 18 एक्टिविटी टाइम है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसमें जो नंबर दिए गए हैं उसके पहले जो नंबर आएगा उसको इन बॉक्स, खाली बॉक्स में आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ 3 है, उसके पहले कौन सा आएगा, 2, इसमें आप फिल करेंगे, इसी तरह बेसिस पे करेंगे। सेकेंड है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा उसको आप यहाँ फिल करते जाएंगे। जो नंबर दिए हैं उसके बाद का नंबर आप लिखेंगे। ओके देन है व्हाट कम्स इन बिटवीन, यहाँ पे है जो टू नंबर्स दिए हैं इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा ये आपको फिल करना है। जैसे 8 है और 10 के बीच में या 9 हो जाएगा, 1 और 3 के बीच में या 2 हो जाएगा, ऐसे ही नंबर्स को आप फिल करेंगे। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में इस पेज नंबर को आप करेंगे। ओके और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है बच्चों,
तो कल हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर की आपका होमवर्क है पेज नंबर 18, इसको आप कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।